आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर है, ऐसे में बीजेपी बंगाल को फतेह करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के एक मुट्ठी अन्न का संग्रहण अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी अन्नदाता की आय दुगनी करने और फसलों का सही मूल्य दिलाने, साथ ही कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके और आगे उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में हाफ हुई तृणमूल इस विधानसभा में साफ होगी। साथ ही वो लोकसभा चुनावों का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इतनी व्यापक सफलता ने यह बता दिया कि मोदी शाह का जादू देश भर में चल रहा है। पश्चिम बंगाल की बनाई हुई पार्टी है वो, लेकिन ये संयोग था कि पश्चिम बंगाल में हमें छोड़ के बाकी की पार्टियां आ गई। ऐसी पार्टी आ गई जिनने कभी पश्चिम बंगाल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बात वो हमेशा गरीबों की करते थे, काम वो हमेशा अमीरों के करते थे। 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया, 10 साल से ममता दीदी है और उसके 15 साल कांग्रेस सरकार रही। आजादी के बाद से यही लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। और इन्होंने चाहे ममता दीदी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बात गरीबी की करी और काम रईसों के और अमीरों के किए। और यही कारण था कि जो बंगाल आध्यात्मिक रूप से देश को दिशा देता था, जो पश्चिम बंगाल आर्थिक पूरे देश को दिशा देता था, जो बंगाल धार्मिक पूरे देश को दिशा देता था, उस बंगाल से लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने लगे।